हेलो फ्रेंड्स, आपका मास्टर कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे आंवले का अचार कैसे बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 10 आंवले को लेकर 10 मिनट के लिए बॉईल कर दिया है और उसके बाद उसको अलग अलग करके उसके बीज निकाल लिए हैं और उसको चार पैक में डिवाइड करके अब इसे एक घंटे के लिए या एक दिन के लिए छत पर सुखा दिया है। तब ये ऐसा हो गया है आंवला हमारा। और ये देखिए इसके मसाले क्या क्या लगेंगे अचार बनाने के लिए। ये रहा मैंने आधा कटोरी से थोड़ा कम तेल ले लिया है मैंने सरसों का। ये है मेथी और ये मैंने मेथी हल्का भूनकर पीस के पाउडर बना लिया है। थोड़ी सी ज़रूरत है फ्रेंड्स इसकी मेथी। और ये है फ्रेंड्स हमारा सौंफ जो बाद में फ्लेवर देने के लिए डालते हैं अचार में। और ये है काली सरसों या राई जो मैंने पीस लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है लाल मिर्च 2 चम्मच, ये है धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और ये हल्दी 2 चम्मच। हेलो फ्रेंड, देखिए मैंने आप लोग को अब अचार बना रही हूँ कैसे बनता है, मैं बता रही हूँ आपको। ये देखिए मैं ये सरसों जो राई है मैंने इसको पीस लिए हैं मिक्सर में। इसको इसमें आंवले में डाल दीजिए। मिर्ची मैंने 2 चम्मच रखा क्योंकि तीखा अचार तीखा ही अच्छा लगता है, चटपटा होता है। ये है धनिया पाउडर 2 चम्मच, ये है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक आप स्वाद अनुसार डालिएगा। और ये जो मैं सौंफ रखी थी वे भी डाल दीजिए इसमें। और ये जो मेथी हम भूज के इसको पीस लिए थे मिक्सर में अब ये तेल डाल दीजिए जो तेल मैंने डाला था। ये देखिए अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर दीजिए। देखिए फ्रेंड हमारा मिक्स हो गया, ये अच्छी तरह इसको मिक्स कर दीजिए। कितना अच्छा कलर है, आप अच्छी तरह हो गया। अब इसको देखिए आप एक दिन आप धूप में खुला इसी तरह सूखने रख दीजिएगा धूप में पूरे दिन। उसके बाद आप इसको शीशे के डब्बा में आप रख दीजिए इसको एक दिन, लेकिन धूप जरूर दिखा दीजिएगा धूप दिखा ये मर। फ्रेंड्स हमारा अचार आंवले का अचार रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं ये बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में और बहुत चटपटा। आप इसे आप स्टोर करके खा सकते हैं धूप में सुखा कर। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और हमारा अचार कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके।